मेरा इरादा है कि जल्दी अपने आबाई घर का नाम लौट जाऊं। कहीं ऐसा ना हो ये आपस में लड़ बैठे। परेशान मत हो, ये लोग जोर आजमाई कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि जो बाकी सब में ज्यादा ताकतवर होगा वही मेरा जानशीन होगा। याकूब नबी को जानते हो? इसहाक नबी के बेटे। वो और उनके बेटे फद्दान के लिए बैस खैर बरकत हैं। हाँ जानता हूँ। बता सकते हैं वो कहाँ है? उनके मामू लाबान हाकिम है, उनके पास चले जाओ। क्या काम है? मैं कनान से आया हूँ, यहाँ के हाकिम से काम है। मेरे साथ आओ। दीना जान इधर आओ बेटा। जाओ यूसुफ के साथ खेलो ताकि मैं काम में तुम्हारी माँ का हाथ बटा लूं। शाबाश। राहिल, खुशखबरी है? मुबारक हो। नबी खुदा को मालूम है? सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम नाना जान। सलाम बाबा, खुश आमदी। सलाम, हमारी याद कैसे आ गई? बाबा खैरियत तो है? कोई बात हो गई? वो आदमी देख रही हो ना, कनान से आया है और हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया है। याकूब कहाँ है? अरे वाह मेरे प्यारे मामू लाबान, खैरियत? आज कैसे रास्ता भूल गए? अगरचे तलख है मगर उम्मीद है तुम में सुनने का हौसला है। कुछ बताते क्यों नहीं? तुम्हारे बाबा इसहाक इस दारे फानी से कूच कर गए। खुदा की तरफ से आए
और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जीरू को इससे फरार नहीं, हत्ता के औलियाए अल्लाह अंबियाए कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया और मैं खुदा से अपने लिए सब्र तहमुल तलब करता हूं। ऐ नबी खुदा, अगर हम वादा करें कि आपके फरमान पर अमल करेंगे तो क्या आप फद्दान में रुक जाएंगे? मैं फद्दान के लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है, ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से रुक जाऊं। इंशाल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियां बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते, बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरहूम मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे। आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मकरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन हूं। एक जमाना था कि आप बुतपरस्ती करते थे, खुदा यकता ने आपके दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर किया और आप लोगों ने अपने अंदर के बुतों को निकाल बाहर किया और खुदा यकता को कबूल किया। ईमान और दावत इलाही की कद्र कीमत को पहचानिए, ऐसा ना हो कि फिर से कुफ्र जेल की तारीकियां नूर इलाही की जगह ले लें। याकूब रहे न रहे, खुदा यकता आपके तमाम आमाल व अफकार देख और सुन रहा है। खुदा आपका हामी नासिर। तुमने इतने साल मेरे लिए भेड़ बकरियां चराई, कभी कोई उजरत नहीं ली। खुद तुम्हारा ना मालूम अता है ना कोई गल्ला। मैं अपने गल्ले में से आधा तुम्हें और अपनी बेटियों को हदिया करता हूं। उम्मीद है इस गल्ले से अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आपके रिस्क में फरावानी करे। शुक्रिया बाबा। खुदा आपको इसकी जजा दे। ये याकूब का हक है। इतने सालों की जहमत के बाद मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप सबका भी खुदा हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।
आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदा आपका निगहबान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खाला खाला एक बात तो बताएं, बल्दा और जुल्फा मेरी माँ राहिल से हसद क्यों करती हैं? ये तुमसे किसने कहा? सब लोग कहते हैं, यहूदा ने खुद बल्दा और जुल्फा को बातें करते सुना है। बच्चों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब सवाल किया है तो फिर बताती हूँ। बल्हा पहले तुम्हारी माँ की कनीज थी, चूँकि राहिल की कोई औलाद नहीं थी इसलिए कनीज बल्हा तुम्हारे बाबा याकूब को हदिया किया ताकि शादी करके उससे औलाद की नेमत भी हासिल हो और तुम्हारे बाबा की तवज्जो और मोहब्बत भी हासिल हो। बल्हा से दो औलादें दान और नफ्ताली हुई। राहिल और याकूब इन दोनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे और अब ये फितरी सी बात है कि तुम्हारी पैदाइश का सुनते ही वो फिक्रमंद हो गई हो और यही हसब की वजह हो सकती है। क्या जुल्फा आपकी कनीज थी? हाँ, मैंने भी अपनी कनीज जुल्फा तुम्हारे बाबा को हदीयतन दे दी। मैं नहीं चाहती थी कि वो इस मामले में मुझ पर सबकत ले जाए। जुल्फा से जाद और रशीद पैदा हुए। लावी शमून, क्या कर रहे हो? कल आप बिखर गया है। राहिल को कुछ ज्यादा ही चाहते हैं? मुझे अपनी बहन से हसद करने की कोई जरूरत नहीं, ना उसके बेटों की तादाद मुझसे ज्यादा है और ना ही याकूब उसे मुझसे ज्यादा चाहते हैं, तो फिर हसद किस बात की? जाहिर है वो क्यों अपनी बहन के बारे में कोई राय हमें दे। रास्ता तवील नहीं हो गया? बस ज्यादा दूर नहीं। खाना बदोश कबाइल की जिंदगी बस यही है, सफर भी करते हैं और जिंदगी भी। लिया लिया
कनान तक कितना रास्ता बाकी है? तकरीबन 3 फरसख। राहिल तब तक बर्दाश्त कर सकती हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिया लिया यहूदा, रावी, शमून, खेमा लगाओ, हम यही काम करेंगे। कनान में दाई मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। चिरब दौड़कर कनान जाओ और मेरी बहन फायका और दाई को यहां लेकर आओ। जल्दी करो जाओ। बर्दाश्त करो मेरी बहन। लिया लिया राहिल मेरी मदद करो, एहतियात से, ख्याल से, आराम से, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। आग रोशन करो। जुल्फा जाओ चादर ले आओ। अभी लाई। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत खराब है? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। दीना यूसुफ को ले जाओ। नहीं यहीं रहने दो। लिया 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 सब करो मेरी बहन। आओ यूसुफ आ जाओ। यूसुफ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ आओ। दीना यूसुफ को संभालो, जाओ इधर आओ मेरी जान, आओ। अच्छा छोड़ो इसे। क्या हुआ मेरे बच्चे? यूसुफ तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। खुदा ताला इस पर रहम करे, पहले बच्चे की पैदाइश भी बड़ी सख्त थी। मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। क्या हुआ, राहिल की तबीयत कैसी है? अभी कुछ पता नहीं, लिया ने कहा है कि राहिल के हक में दुआ करें, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। अगर वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बस दाई आने ही वाली है। जाओ उसका ख्याल रखो। बाबा क्या माँ हमें छोड़कर जाना चाहती है? तुमसे ये किसने कहा? वो तुम्हारे लिए भाई लाना चाहती है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, परेशान मत हो। दीना जी जाओ भाई के साथ खेलो। जी बेहतर, चलो चलें। अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी हुआ तो खुदा इस पर रहम करे। इसका जिंदा बचना मुश्किल दिखाई देता है। बंद करो अपनी ये मनुष्य बातें, बकबक औरत। थोड़ा सबर करो, दाई को लेने गए हैं, कनान ज्यादा दूर नहीं है, बस आते ही होंगे।
मेरे बच्चों का मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी का एहसास ना होने देना, इन्हें माँ की राहिल के नाम से ही लगता था कि वो जल्द रह लग पाएगी। परवरदिगारा, इसकी जुदाई पर मुझे सब्र अता फरमा। बाबा जान, कनान के लोग आ गए। अब क्या फायदा? कहाँ है वो? उस तरफ है। जल्दी करो, मेरे साथ आओ। मेरे खुदाया। सलाम नबी ए खुदा। सलाम। देर कर दी बहन, बहुत देर कर दी। वो राहिल थी। हाय मेरे खुदा। दोनों देरी ना दोस्त हैं। इस किस्म के मसाइब हमारे लिए नए नहीं। हम इस मुसीबत में भी खुदा की पनाह मांगते हैं। तुम यकीनन लिया हो। राहिल की बहन तुमको ताज़िया पेश करती हूँ। देख रहे हो बेटा, जहां तुमने कदम रखा है कारवासराय से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ लोग आते हैं, चले जाते हैं। खुशामदीद तुम्हारे कदम मुबारक। इसके कदम ना मुबारक है ना मुबारक। इसका नाम बिन अनी है, नहुसत का बेटा। ये मेरी बहन की मौत का बाइस बना। बस करो, बस भी करो। मौत और जिंदगी किसी और के हाथ में है। इसमें बच्चे का क्या कसूर है? बिन अनी नहीं,
बिन यामीन, फरजंद दस्तेरास्त, ये अपने बाबा का दस्तेरास्त होगा। तुम कौन हो मेरी जान? यूसुफ, राहिल का बेटा। तो तुम राहिल की निशानी हो। सबसे पहले तुमसे ताज़ियत करनी चाहिए। ओके। मेरी माँ, माँ, परवरदिगारा, राहील की रूह को गरीक रहमत फरमा। राहील की रूह को गरीक रहमत फरमा। आमीन, आमीन। पापा कहते हैं खुदा जिसे भी ज्यादा चाहता है वो उसे अपने पास बुला लेता है। पप्पी की जान, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ खुदा के पास है? जानता हूँ, खुदा ने उनको अपने पास जन्नत में बुला लिया है, लेकिन मैं उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं खुदा से दुआ गो हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हें और तुम्हारे बाप को सब्र जमील अता करे। फायका पप्पू, क्या जन्नत यहाँ से बेहतर जगह है? हाँ मेरी जान, बेहतर है। तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुझे इस बच्चे के खूबसूरत चेहरे और दिलनशीन बातों में जो ये कर रहा है बुजुर्गी के आसार नजर आ रहे हैं। ये अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कहीं ज्यादा होशियार है, जो कि नाकाबिल यकीन है। बस करो बहन, बस करो। यूसुफ भी अपने दूसरे भाइयों ही की तरह है, उनसे मुख्तलिफ नहीं है। यूसुफ का चेहरा और इसकी बातें मेरे लिए दिलनशीन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, शायद इस तरह इसकी माँ की कमी को कुछ कम कर सकूं। मैंने अपनी बहन से वादा किया था कि मैं उसके बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दूंगी, अपने दूसरे बच्चों की तरह इनकी भी परवरिश करूंगी। लेकिन तुम अपने इतने बच्चों के साथ कैसे कर सकोगी? ये मुमकिन ही नहीं। मैं इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हे भर के लिए भी मेरी निगाहों से दूर हो। वो शहर जहां आखिरी उम्र तक रहना है। आ गए, याकूब नबी का काफला आ गया, आ गया याकूब नबी का काफला आ गया। Thank you.
खुश आमदेद नबी खुदा के कदम मुबारक हों। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। आप पर जो मुसीबत टूटी हमें उसकी खबर न थी। खुदा आपको सब्र जमील अता करे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है और हम इसकी रजा में राजी हैं। खुशामदीद, खुशामदीद। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुशामदीद, 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 खुशामदीद। ये राहिल का बेटा यूसुफ है ना? खुशामदीद। देखो इनका बेटा यूसुफ कितना खूबसूरत है। बहन, हमारे बाबा इसहाक नबी का मकबरा कहाँ है? तुम जानते हो, वहीं जहाँ हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनकी जोजा का मकबरा है, और हमारी माँ रफा की कब्र भी वहीं है। पहले मैं उनकी ज्यारत और उनके साथ अहद का इरादा रखता हूँ। लिया, सबको खबर कर दो कि मिलकर वहाँ जाएंगे। यहूदा, लावी, बिस्मा, जो अमानत मैंने तुम्हारे सुपुर्द की थी वो ले आओ। हम अपने बाबा इसहाक के मजार पर जा रहे हैं।